एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके पर्सन के फीलिंग्स को लेके एक शमैनिक मैसेज। यहां पे हम लोग टैरो भी देखेंगे एंड ओरेकल से भी चेक करेंगे। वेल, आपके पर्सन अगर कुछ छुपा रहे हैं तो हम ये देखेंगे। सो व्हाट इज द हिडन ट्रूथ बिहाइंड दिस सिचुएशंस, इस सिचुएशंस के पीछे क्या ट्रुथ छुपा है वही हम देखेंगे। शमैनिक मैसेज एक पर्टिकुलर डिविनेशन से डिविनेशन सिस्टम है जिसके थ्रू स्पिरिट्स कलेक्टिवली कुछ इंफॉर्मेशन दे देते हैं। टैरो क्या करते हैं, डायरेक्शंस गाइडेंस देते हैं, बट यहाँ पे बहुत स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलता है। बट शमैनिक मैसेज सबके लिए नहीं, शमैनिक मैसेज उन्हीं लोगों के लिए है जो खुद एक इंट्यूटिव पर्सन है, जिनको बिलीव है ये सब चीज में, जो टैरो को समझते हैं या फिर टैरो वीडियोस देखते हैं या फिर टैरो के एनर्जीज को जानते हैं, जिनको सिर्फ सिचुएशंस के लिए वेट करना नहीं होता है, जो सिचुएशंस को खुद चेंज कर सकते हैं, उनके लिए ये मैसेज आसान, मतलब ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट भी है एंड ये मैसेज उनके ज़िंदगी को बहुत आसान बना देते हैं। सो अगर यहाँ पे आप कोई भी नेगेटिविटी देखते हो तो आप क्या करोगे, आप अपने लाइफ में उसको पॉजिटिव कर सकते हो विथ योर इंटेंशन, विथ योर ओन स्पेल या फिर विथ योर ओन मैनिफेस्टेशंस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले मैं इस कंटेनर पर थोड़ा सा साइकिक वाटर डालूंगा, that is enough, and then उसके बाद I'm gonna charge this water, okay। ओम काली काली महाकाली काली के पाप हरिणी धर्म कामर्थ मुख दे देवी नारायणी नमस्ते। ओम करल बदन घोरम मुक्त केशिन चतुर्भुजम कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुन्नमाला विभूषितं सदाशिव सीरो करगु बामर्थ करनम जम अभंग बदन चेव दक्षिण अर्थपानिकं महामेघ प्रभं सवं तथा चेव दिगंबरीं कंठव सक्त मंडली गल रुद्र चर्चितम कर्णावतन सतनाथ सबोजम वैनकम प्रदष्टं करल संपीर्ण दिपदनम सवनं कर संगाति कृत कचस्म चक्रदागम तार विश्वतनम गुरु भयं मर्दन सुजनय वासनम बालक मंडल करल चन त्रेमितम दत्रं दक्षिण बाबिलम मोन कच्चम स्वरूप महादेव हृदय प्रसंस्तम शिव अभिगुरु राव विचल दिगु समनितम महाकालन चासम विपरीत रतादलम सूक वसन वदनम स्वरणम सर्वम एवं संचित कलि तम कमर्तम कृतम जय माताली। ओम क्रीं दक्षिणा कलि के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा कलि के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा कलि के नमो। थैंक यू माता, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। अब ये रीडिंग कलेक्टिव है, जो जो चीज़ रेजोनेट करेंगी वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। और मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ और कहीं पे भी नहीं हूँ। तो स्कैम एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, यहाँ पे आके वीडियो को देखिए एंड याद रखिए माँ काली टैरोट अनिर्बान, ये वीडियो को शेयर कीजिएगा, ओके। अभी आप लाइक कर दीजिएगा, मैं जल्दी देख लूँगा कि आपके पर्सन के हिडन ट्रूथ। ओके, स्टक है, योर पर्सन इज स्टक, योर पर्सन इज बेसिकली स्टक। ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर हो सकता है ये बात तो कर रहे हैं बट बात को बढ़ा नहीं रहे हैं, बिकॉज टू सम एन एक्सटेंट दे आर नॉट एबल टू डिसाइड। ये जो वादा कह रहे हैं ये खुद ही उस वादे को सोच रहे हैं कि क्या वो वादा को निभा पाएंगे, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ग्रेट सर्कल है जिसको यही बयां करते हैं कि हाँ ये प्यार तो करते हैं, बट यू नो द बेसिक डाउट, इसका फर्स्ट एंड बेसिक डाउट है कि ये खुद सेटल नहीं है, ओके। इनको पता नहीं कि इनको क्या चाहिए, ये लाइफ में हर टाइम पे हर शौक हर हॉबीज को अपनाए हैं और हर टाइम पे जब भी कोई चीज मैच्योर हुए है उसको छोड़ दिए हैं। तो काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि आपके पर्सन एक एस्केपिस्ट है, तो ये पर्सन अभी भी एक लूप में है, लाइक ये आपको कॉल करे, मैसेज करे, बात करे, बट अगर आप इसको थोड़ा सा भी यू नो बहुत ज्यादा रिप्लाई कर दे रहे हो, ज्यादा अटेंशन दे रहे हो, तो दे आर क्लोजिंग ऑफ। आई फील पर्सनली कि ये पर्सन स्टक है, ये पर्सन खुद अपने डिसीशंस खुद नहीं ले पाते हैं और अक्सर अपने डिसीशंस अपने जिम्मेदारी किसी और के ऊपर दे देते हैं। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि फैमिली बहुत डार्क है, यस yes।
इनके फैमिली में देख सकता हूँ कि एक हो सकता है कि ये बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, और दूसरे पर्सन हो सकता है कि इनके फैमिली का कोई नियंत्रण नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैं देख सकता हूँ कि इनके इनके लाइफ ना कोई सिस्टमेटिक वे में नहीं चला है, लाइक या तो ये सिर्फ वॉक किए हैं या फिर ये सिर्फ यू नो मज़े किए हैं, देयर इज़ नो कंसिस्टेंट साइकिल। सो द फर्स्ट थिंग आई फील बहुत डार्क एनर्जी है इनके मन में, काइंड ऑफ सब चीज़ को लेके एक, एक एक डर है, जैसे कि मान लो ये कभी खुश नहीं हुए हैं। एट द सेम टाइम इसके दिमाग में हमेशा कन्फ्लिक्ट घूमता रहता है, जैसे कि हर सिचुएशंस के नेगेटिव आउटकम इनको इनको बहुत ज़्यादा आता है, लाइक बहुत एंशियस रह रहे हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा एंशियस। और मैं आपको भी देख रहा हूँ कि इनके वजह से आप भी बहुत ज़्यादा हाइपर टेंशन में आ रहे हो, लाइक बहुत ज़्यादा हाइपर हो रहे हो, चिड़चिड़े हो रहे हो। एंड आई कुड फील, आई कुड सी योर इमेज के लाइक आप चुपचाप बैठे हो, लाइक आप स्टोन कोल्ड बैठे हो, यू नो आपको 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 पता है कि ये झूठ बोल रहे हैं या फिर ये बात नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको पता है कि ये एक्सक्यूज दे रहे हैं, एंड यू आर जस्ट शॉक्ड। मैं ये भी देख सकता हूँ आप में से बहुत सारे लोग शॉक्ड हो कि वो कैसे ऐसे कर सकता है। तो हो सकता है कि दिस पर्सन एंड यू बोथ हैड अ टेरिबल टॉक, वो बहुत कुछ सुनाए हैं आपको, एंड यू आर जस्ट साइलेंट। हो सकता है कि आप अपने साइकिक एबिलिटीज के ऊपर भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि जो आप सोचे थे और जो हुआ ये कंप्लीट ऑपोजिट। नाउ यहां पे आप अगर अपना पावर इस्तेमाल करोगे सिचुएशंस में बदल आएगा, क्योंकि ऑल आई कैन से ये पर्सन इमोशनली आपके ऊपर डिपेंडेंट है, बट ये पर्सन ऊपर ऊपर इसके जो टॉक्सिक मैस्कुलाइन साइड है ये हमेशा आपको कंट्रोल करने के लिए सोचते हैं। सो ये अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि आप नादान हो, आपको समझ में नहीं आएगा, ये जो समझाएंगे आप वो समझ जाएंगे, एंड बाद में जाके वो पर्सन आपको कंट्रोल करेंगे। मैं ये भी देख सकता हूँ कि फाइनेंशियल सपोर्ट के बारे में भी ये सोचे, काइंड ऑफ मैं एक चीज़ देख सकता हूँ कि द बेसिक प्रॉब्लम इज रिस्पेक्ट। ये पर्सन कभी आपको खुल के एक्सेप्ट भी नहीं किए एंड आपको खुल के कभी बात भी नहीं बोले। और प्यार सिर्फ देखो प्यार से क्या होगा, सिर्फ प्यार से तो कुछ नहीं होगा, डेफिनेटली देर इज लव, डेफिनेटली प्यार तो है, बट जब प्रायोरिटीज का बात आ जाता है तब ये उलट जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन ना कंस्टेंटली अपने दोस्त, अपने फैमिली, अपने काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और इस पर्सन के सामने क्या आ जाता है कि यू नो आप बहुत ज़्यादा बकते हो, आप बहुत ज़्यादा बहाना बनाते हो, आप खुद तय नहीं कर पाते हो, आपको हमेशा इनका सलाह लेना पड़ता है। तो काइंड ऑफ ये मन ही मन आपको वीक बना के बैठे हैं। इनके अंदर जो फीलिंग्स है वो यही है कि आप एक अबला हो, ओके, और आपको कुछ ज़्यादा अता पता नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये उस नज़र से आपको कभी देखे ही नहीं है। आई थिंक हो सकता है कि ये आपको कभी जानने की उस तरीके से कोशिश ही नहीं किए है। नो यूनिवर्स यहाँ पे एक चीज बोल रहे हैं कि देखिए ये पर्सन के लाइफ में बहुत बार बहुत लोग आए हैं गए हैं, ओके, ये पर्सन के लाइफ में मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इनको प्यार करते हैं, जो इनको पसंद करते हैं, और जिनके साथ इनका एक कैजुअल किस्म का हुआ था, कुछ सिचुएशंस शिप टाइप हुआ था। अब नाउ मैं एक चीज़ डेफिनेटली देख रहा हूँ कि आपके पर्सन का कोई चॉइस बोल के चीज़ नहीं है, वो ज़िंदगी में शायद आपको चूज़ करके बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि आई कुड फील कि इनके जो दोस्त हैं या फिर इनके जो पसंदीदा पर्सन हैं वो हमेशा इनको मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, टेंजेंट चीज़ें, जो चीज़ बहुत ही कम समय के लिए आते हैं उन्हीं उस वो सब चीज़ को उनके लाइफ में लेके आते हैं, जैसे कि नशा, जैसे कि लेट नाइट ड्राइविंग। लाइक मैं देख सकता हूँ कि ये ऐसे स्पॉइल्ड किड्स या फिर स्पॉइल्ड लोगों से मिलते हैं कि ये खुद भी सुधर नहीं पाते खुद को, और दूसरे लोग भी उसको बिगाड़ रहे हैं। सो बिगड़े हुए लोगों से ये मिलते हैं। नाउ यहाँ पे एक बात आते हैं कि स्पिरिचुअल सपोर्ट का।
वेल हो सकता है कि ये पर्सन एक डिवोटी है शिव जी का या फिर माँ काली का, हनुमान जी का, एंड हो सकता है कि ये अपने तरीके से स्पिरिचुअल भी है। बट जब बात आते हैं पोलाइटनेस का, तो ये अंदर ही अंदर ये सोचते हैं कि आप क्या बोलोगे, आपका बोलने का क्या है, ये ही डिसाइड करेंगे, यही आपके लाइफ के पथ को डिसाइड करेंगे। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल रिलेटेड बहुत ज़्यादा फाइट आई कुड फील। ये घर वालों के खिलाफ नहीं जाएंगे, स्पेशली मैं देख सकता हूँ इसके कोई काजिन सिस्टर हैं, या फिर स्पेशली मैं देख सकता हूँ कि अक्सर ये कंपेयर करते रहते हैं कि आपके रिलेशनशिप या फिर इनके बेस्ट फ्रेंड के रिलेशनशिप, सो कंपेरिजन है। एंड खास करके मैं बोल सकता हूँ इसके फैमिली मेम्बर्स में से कोई एक ऐसे पर्सन है, हो सकते हैं इसके मम्मा हो पापा हो, जो अक्सर ये पर्सन को यू नो सिखाते हैं कि कैसे लोगों को डोमिनेट किया जाता है, कैसे लोगों को कंट्रोल किया जाता है। क्योंकि मैं ये देख सकता हूँ कि ये लोगों के घर में कोई पेट्रियार्की है, ओके, जैसे कि मेल लोग सब कुछ है, फीमेल कुछ नहीं है, काइंड ऑफ ऐसे पेट्रियार्की मैं यहाँ पे फील कर सकता हूँ। नाउ ये पर्सन एक बिग किड है, सो इसके उम्र कितना भी बड़ा क्यों ना है, बट उतना ज़्यादा अकल नहीं है, उतना आपके जैसा सेंसिटिव नहीं है, तो कुछ भी मुक्ता रहता है। लाइक ये पर्सन, आई थिंक ये पर्सन का ये एक लूफोल्स है कि हो सकते दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड, हो सकते दे आर डूइंग देयर गुड वर्क, बट उनके काम के अलावा इनको कुछ अलग चीज़ पता नहीं है। आई फील समटाइम्स दे स्ट्रगल ऑल्सो, Sometimes they struggle also, but the thing is कि आपके power इसके ऊपर बहुत ज़्यादा असर करेगा। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि अगर आप अपने power पे आते हो और अगर आप moon cycle के साथ इस person को manifest करते हो, तो ये person obsessed हो जाएंगे। There is a chance, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये person कुछ भी काम करे डरते वो है, आपसे वो डरते हैं, okay? और ये मैं ये भी देख सकता हूँ कि बहुत सारे थर्ड पार्टी ने इसको अप्रोच भी किया, यहाँ तक कि किस करने का सवाल भी उठा, बट दिस पर्सन डिक्लाइंड इट। ये पर्सन को मैं ये एनर्जी देख सकता हूँ कि ये पर्सन डिक्लाइन किया है किसी पर्सन को किस करने से। मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप दोनों का जो सेक्सुअल केमिस्ट्री है, ये उनके हिसाब से बहुत अच्छा है। लाइक ऐसा हो सकता है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हो, बट ये पर्सन सेटिस्फाइड होते हैं। तो अक्सर मैं इनके मन में आपके सेक्सुअल वाइब्स का लिए सेटिस्फेक्शन दिख रहा है। दे आर वेरी सेटिस्फाइड विथ यू एंड एट द सेम टाइम ये उस चीज़ को लेके बहुत खुश है। बट द ओनली थिंग दे आर नॉट सेटिस्फाइड विच इज़ योर डिमांड। ये पर्सन को लगता है कि आप बहुत डिमांडिंग हो और आप समय मांगते हो और उसके पास समय नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये आपको क्यूट भी मानते हैं। बिकॉज आई कुड फील कि पहले ये नो बोल देते हैं, बट बाद में आके ये हाँ बोल देते, तो चलता है आप ही का। हाँ, ये गुस्सा बहुत ज़्यादा करते हैं। आई थिंक यहाँ पे आप दोनों के बीच में अगर झगड़ा भी होगा, तो ये झगड़ा 2-3 दिन के बाद सब सही भी हो जाएगा, बिकॉज यू बोथ आर कनेक्टेड इन अ साइकिल। सो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ आप लोग झगड़ रहे हो, लड़ रहे हो, बात करना बंद कर दे और फिर से मिल रहे हो, सो यू आर अबाउट टू एंटर अ साइकिल। सो अगर आप लोग झगड़ रहे हो, सून थिंग्स विल बी सूटेबल, थिंग्स विल बी ओके, क्योंकि आई थिंक आप लोग एक दूसरे को छोड़ के कभी नहीं जाने वाले हो। वेल, ये पर्सन का इतना लूफ होल के बावजूद भी आप इस पर्सन को फॉरगिव करते हो और एक्सेप्ट करते हो, और आप दूसरे किसी पर्सन के पास नहीं जा पाते हो, बिकॉज ऑफ आई फील कि ये पर्सन का जो एनर्जी आ रहे है और स्पिरिट जो बोल रहे है, ये पर्सन लॉयल दिख रहा है, ये पर्सन मेरे को लॉयल दिख रहा है। आई डोंट थिंक कि कोई थर्ड पार्टी इसको कुछ किया है, बट हाँ, थर्ड पार्टी ने बहुत ज़्यादा अप्रोच किया था, बट देयर पर्सन क्लियरली डिक्लाइन। मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके कोई को वर्कर है या फिर इसके कोई यू नो ऑनलाइन फ्रेंड्स है जो इसको जानबूझ के डिनर पे इनवाइट किए थे, या फिर जानबूझ के इसके सामने थोड़ा सा यू नो स्टीमी होने की कोशिश किया, एंड दैट पर्सन अवॉइडेड इट। आई थिंक कोई स्कॉर्पियो हो सकता है आपके पर्सन, या फिर लिब्रा हो सकता है, या फिर जेमिनी हो सकता है, या फिर ये पर्सन वर्गो और एरीज एंड टॉरस हो सकता है। हाल ही में ये पर्सन के साथ एनकाउंटर हुआ था एक ऐसे कोवर्कर का या फिर कोई म्यूचुअल फ्रेंड का जो इनके सामने बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने की कोशिश किए, बहुत कुछ बोलने की कोशिश किए, बट ये पर्सन डिक्लाइन किए एंड दैट पर्सन सेज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। यहाँ पे लॉयल्टी के लिए जो मैसेजेस आ रहे हैं कि यूनिवर्स इसको टेस्ट किया, बट ये पर्सन टेस्ट में पास
हुए हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो इनके ऊपर जादू टोना करते हैं, खास करके आई फील देयर इज अ गर्ल हु इज वेरी मच ऑब्सेस्ड। ये कोई रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं, ये कोई नर्स हो सकते हैं, ये कोई अकाउंटेंट हो सकते हैं, या फिर ये कोई नेबर हो सकते हैं। लाइक दिस पर्सन स्प्रेड र्यूमर अबाउट योर पर्सन, लाइक जो भी र्यूमर्स फैलाते हैं तो यही पर्सन फैलाते हैं ताकि दूसरे पर्सन इनके करीब ना जाए। बट द थिंग इज ये पर्सन चाहते हैं कि आपके पर्सन उनको भाव दे, बट नो यहाँ पे नहीं हो रहा है, थर्ड पार्टी का पल्ला एकदम कट चुका है। हो सकता है कि आप हाल ही में कुछ प्रेयर किए थे, कालिमा से पूछे थे या फिर कोई मदद मांगे थे, एंड दैट वर्क योर पर्सन इज नॉट एट ऑल रिस्पॉन्डिंग देयर कॉल और थिंग्स एंड ऑल। आई डोंट नो कि पहले ये क्या करते थे, बट राइट नाउ योर पर्सन नोज कि किसको किसके साथ बात करना चाहिए, किसके साथ नहीं बात करना चाहिए। सो दे आर वेरी मच इनटू यू नाउ, बट यस दे आर विद देयर फैमिली, क्योंकि मैं देख सकता हूँ इस टाइम पे इनके फैमिली इनको सीरियस होने के लिए बोल रहे हैं एंड दे आर स्टक। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि घर वालों ने भी आपके बारे में शक किया कि इनके साथ कोई किसी का अफेयर है, या फिर ये मन से किसी को चूज करके रखा है कि नहीं, एंड योर पर्सन कुछ नहीं बोला घर वालों को बिकॉज दे डोंट नो कि उस टाइम पे इसको क्या करना चाहिए। बट आई थिंक बहुत ही जल्दी आप लोग सेक्सुअली मीट करने वाले हो, बहुत ही जल्दी ये आपके साथ इंटीमेट होने वाले हैं, एंड देन दे आर गोइंग टू डिसाइड। आई फील लाइक इनके अंदर एक सेक्सुअल अर्जेस है और ये बहुत स्वीट रोमांटिक मैसेज करने वाले हैं आपको बिकॉज दे आर रियली थिंकिंग अबाउट यू, दे आर रियली थिंकिंग अबाउट यू। एंड कई कबार ये अपने फैमिली को भी इंजॉय नहीं कर पा रहे। आई थिंक क्या होता है ना कि ये एक ऐसे फेज है, सैटर्न रेट्रोग्रेड आ रहा है और मैं देख सकता हूँ कि इसके जो स्टकनेस है धीरे धीरे रेट्रोग्रेड के साथ फेडेड हो जा रहे हैं, काइंड ऑफ ये फेड हो रहा है, इनके स्टकनेस फेड हो रहा है। आई थिंक इस पर्सन बहुत रोमांटिक, बहुत स्वीट एंड सेक्सी होके आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि मैं देख सकता हूँ द फर्स्ट थिंग्स दे आर गोना डू, दे आर गोना गिफ्ट यू समथिंग। ये कोई परफ्यूम गिफ्ट करने वाले हैं या फिर कुछ चीज़ गिफ्ट करने लिए सोच रहे हैं, एंड दे आर गोइंग टू टॉक अनयूजुअली वेल, मतलब जो बात वो कभी नहीं करते थे, ये आपके लुक्स को लेके इम्प्लीमेंट कम्प्लीमेंट करेंगे, एंड ये कुछ टेक्निक इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आई थिंक आपका स्पेल काम कर रहा है या फिर अगर आपने कुछ प्रेयर किए हो वो काम कर रहा है, बिकॉज आने वाले टाइम पे मैं देख रहा हूँ कि ये बहुत जूसी रोमांटिक टेक्स्ट करने वाले हैं, एंड यू गाइस आर गोइंग टू हैव अ ब्यूटिफुल टाइम। सो लाइक मैं यहाँ पे डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि इस पर और ज़्यादा कुछ नहीं है, बिकॉज दे आर Sometimes they are very odd and annoyed because of their lifestyle. Sometimes they are very cool with it, but जहाँ पे भी ये जा रहे हैं ये आपके बारे में सोच के जा रहे हैं as if आपको सब कुछ पता है। So I think this is a positive movement. Let me see इस situations में और details में क्या हो सकता है, क्या possibilities है। Six of Cups मैंने बोला था, this person could be a soulmate or twin flame, or this person could be a married person, Cancer Scorpio Pisces ho sakta hai, ya phir is person ke sath June, July and August ka ek bahut bade talmel ho sakta hai, haal hi mein is person ke sath mile aur milke hi aapko bahut dramatic experience ho raha hai, but is person ke sath aap apna shabna share kar rahe ho and this person is gonna stay with you forever, ye sach hai। Uske baad straight forward The card is sun. It's mean कि ये Leo हो सकता है and हो सकता है कि ये person एक Pisces, हो सकते हैं ये person Aquarius, but they truly love you. They have chosen you. ये अपने सारे negativity को identify कर रहे हैं और ये आपके सामने आके clear cut बात करेंगे कि क्या ये सोच रहे हैं, ये क्या है, और आप लोग physically meet करने वाले हो, इंटीमेट होने वाले हो, फर्स्ट किस हो सकता है, पहली बार ऐसे रोमांटिक डेट पे ये बुला सकता है, हो सकता है रिकंसिलिएशंस खत्म हो रहा है, सो गुड टाइम्स आर कमिंग माय डियर ब्यूटीफुल सोल। एंड द सेवन ऑफ शोर्ड्स, नाउ ये सेवन ऑफ शोर्ड्स आपको आपके लिए है। नाउ यहाँ पे बात आते हैं कि
अ ट्रस्ट इश्यूज इज गोइंग ऑन, क्योंकि अब चीजें बदल गया है. ओके, हो सकता है कि आप इस पर्सन को विश्वास नहीं कर पा रहे हो सकता है कि आपको बार बार लग रहा है कि ये पर्सन चीट करेंगे, बट जब ये पर्सन पॉजिटिव होके आ रहे हैं तब आप ये मतलब ऐसे मत सोचो. आई फील द सेवन ऑफ शोर्ड्स का हार्ड हियर, आप इस पर्सन को या फिर इस सिचुएशंस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इतना डार्क आप देखे हो कि आपको यकीन नहीं हो रहा है कि ऐसा हो सकता है. सो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट. ये पर्सन आएंगे भी आपके सामने तो भी आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे. सो द फैक्ट इज ट्रस्ट बिगड़ गया है आप दोनों के बीच में, और वो उसमें बहुत टाइम लगेगा. तो ये पर्सन आपके सामने आएंगे और बात करेंगे, बट आप इस सिचुएशन को एंजॉय नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप शायद सस्पेक्ट करोगे, शक करोगे कि शायद ये पर्सन कुछ ऐवी बोल रहे हैं. बट देयर विल बी लैक ऑफ ट्रस्ट, देयर विल बी लाइक आप उनके फोन को चेक करोगे या फिर कुछ सस्पिशियस चीज आपके मन में आएगा. सो बी वेरी केयरफुल. नाउ द एम्परर, सो आई फील हियर यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि बात आ रहा है यहाँ पे कि आप इतना ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हो कि आपको इसका फ्यूचर नहीं दिख रहा है. बट यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपने स्पेल से, आप अपने बलबूते से इस कनेक्शन को आगे लेके जाओगे. अगर आप ही सस्पेक्ट करते रहेंगे, अगर आप ही डाउटफुल होते रहेंगे, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है. आई फील लाइक कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर या फिर टैरो आप फॉलो कर रहे हो, या फिर यू नो किसी के बात सुन के आप इतना सस्पिशियस हो गए. द सिचुएशंस इज प्रिटी क्लियर. ये पर्सन आपके सामने आएंगे, ये पर्सन आपके साथ है, और ये पर्सन अपने पुराने गलतियों को माफ करेंगे. बट शायद आप इस टाइम पे ये सब विश्वास करने के लिए रेडी नहीं हो, या फिर आपको विश्वास नहीं हो रहा है. सो यूनिवर्स आपको बोल रहे कि प्लीज, ऐसा नहीं है कि आपको ये सब सोचना नहीं है. सी बी वेरी प्रैक्टिकल. द एम्परर मतलब क्या है कि लोग बदल सकते हैं, लोग चले जा सकते हैं, आपको डिपेंडेंट होना नहीं है. ओके, बट ऐसा भी नहीं है कि आप सभी लोगों को शक करते रहे, आप सभी लोगों को सोचते रहे कि नहीं ये लोग डिसलॉयल है. ओके, सो यहाँ पे बात आते हैं कि हाँ, इस रिलेशनशिप भी सुधर जाएंगे, हाँ ये रिलेशनशिप भी आगे बढ़ेंगे, हाँ इस रिलेशनशिप में भी स्टेबिलिटी आएगा. बट इसका मतलब ये नहीं कि ये रिलेशनशिप में सारे फाउंडेशंस ठीक हो जा रहे हैं. वेल, ये पर्सन डेफिनेटली ये पर्सन कुछ चीज़ छुपाते हैं. ये पर्सन जो कहते हैं और जो करते हैं उसके अंदर आसमान ज़मीन का फ़र्क है. बट इसके बावजूद भी अगर आप इस पर काम करोगे तो यहाँ पे सुधर आ सकता है. सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि ये पर्सन बहुत सस्पिशियस बिहेव कर रहे हैं, ऐसा फील करवा रहे हैं कि ये छोड़ के चले जा रहे हैं, ये कभी वापस नहीं आएंगे. बट ये पर्सन आएंगे, ये पर्सन आपके साथ बात भी करेंगे, और ये पर्सन आपको बोलेंगे भी कुछ चीज़. अब उसको आपको ट्रस्ट करना है, क्योंकि आप ही हो जो ये पर्सन को चेंज करवा सकता है. सो अगर आप सच में चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास आए और बात सुने और बात करे, सो यस, यू रियली हैव टू डू योर वर्क. वो स्पेल हो सकते हैं, प्रेयर हो सकता है, स्पिरिचुअल वर्क आपको करना है. और यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता है कि ये पर्सन कम्प्लीटली चीट किया है और आप कभी भी इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, तो फिर इस पर्सन के बारे में सोचना ही बंद करो. बिकॉज द एम्परर मीन्स या तो आप इसको अंदर ले आओ या फिर बाहर करो. आप लटका के नहीं रख सकते हो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि नहीं इसको आने नहीं देंगे, बट मन ही मन सोच रहे हो कि नहीं एक बार बात करने का मन कर रहा है. सो अगर आपके अंदर ये डायकॉटमी चल रहा है, दैट इज वाई द सेवन ऑफ शोर्ड्स कार्ड्स केम आउट. अगर आप सच में मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो बात करो. बट अगर ये पर्सन आपको मैसेज किए हैं और आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज आप सोच रहे हो कि नहीं शायद करना सही होगा कि गलत होगा, नो, खुद के डिसीजंस खुद लो. कोई भी टैरोटर, कोई भी एस्ट्रोलॉजर कुछ भी बोल सकता है, बट इट्स अप टू यू. आप फील करो, आप अकाउंटेबल हो. इतना यू नो करे ना करे,
इट्स अ बिट सस्पिशियस एनर्जी, ऐसे मत सोचो. ओके, लेट मी क्लैरिफाई इट विद द ओरेकल. ओरेकल क्या बोलता है? ओके, द फर्स्ट कार्ड इज चूज अ न्यू डायरेक्शंस. ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शंस इट मींस दैट हियर जो आप सोच रहे थे, जो आप समझ रहे थे, जो सस्पिशियस आप हो रहे थे, वो मत सोचो. चूज अ न्यू डायरेक्शंस, चूज दिस पर्सन. यहाँ पे यही बात आ रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक में लिसन टू योर इंट्यूशंस. यस, यहाँ पे साफ बात आ रहा है कि ये पर्सन आपको बहुत कुछ सिखाए हैं, आपको अकेले करके गए हैं, या फिर ये पर्सन आपको डिसरिस्पेक्ट किया है, या फिर इनके फैमिली के साथ. अब उस चीज को आप हटा नहीं सकते हो, बट अब जब ये पर्सन चेंज होके आ रहे हैं तब आप इस सिचुएशंस को एक्सपीरियंस कर सकते हो. बट यहाँ पे और भी एक ऑप्शन है कि अगर आप चाहते हो कि नहीं, मेरे को इस पर्सन के साथ मिलना नहीं है, एंड लाइक आई रियली नीड टू फाइंड समवन एल्स, यस गो फॉर इट द एम्परर, यू कैन. बट उसके बाद फिर से पीछे मुड़ के मत देखो. लाइक ऐसा ना हो कि आप टैरो देख रहे हो इस पर्सन को लेके, बट सोच रहे हो कि कोई नए पर्सन के साथ डेट करेंगे. नो, ऐसा नहीं चलेगा. अगर आप टैरो देख रहे हो इस पर्सन को लेके, तो आपको इस पर्सन को डील करना होगा. बट अगर आप सोच रहे हो कि नहीं, कि मैं नए पर्सन के साथ मेरे को बात करना ही है, तो प्लीज ये मत देखो, बिकॉज देयर इज सम शॉर्ट ऑफ एनर्जीज क्लैशिंग. कि आप ही डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि छोड़ के जाए या फिर रहे. सो यू हैव टू टेक अ डिसीजन नाउ. मैं अगर ओरेकल से पूछूं कि इज इट अ कनेक्शन, माय व्यूअर्स शुड ट्रस्ट दिस पर्सन, लेट गो. You are going in the right directions. So, I feel the whole situation is saying कि अगर आपका मन बोल रहा है कि इस person cheat किए हैं, ये person को आना लेके, मतलब आप खुद लेके नहीं आ सकते हो. So this is the high time to let go. But अगर आप इस पर्सन को फॉरगिव किए हो और आपका लगता है कि इस पर्सन को मैं लेके आऊं इस सिचुएशंस में, ये पर्सन मैसेज भी किया है, सो यू कैन. बट हैविंग सेड सो, जो भरोसा ये तोड़े थे या फिर जो ये पास्ट में किए थे, इसको आप भूलिए मत. एम्परर जो सब कुछ याद रखते हैं, जो सही वही करते हैं, एक राजा की तरह सोचे. आपने किसी का ज्ञान को बख्श दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि उसके पूरे जो भी वो दोष किए उसको माफ कर रहे हो. नो, यू कैन अलाउ दिस पर्सन, बट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि वो क्या किए थे. ऐसे नहीं करिए कि अलाउ करके एकदम सब कुछ भूल जाइए. नो, डोंट डू दैट. एम्परर, और अगर आप सेफ चाहते हो, लेट गो. अगर आप सच में मानते हो कि नो, चलो छोड़ो, बहुत हुआ, आई डोंट वॉन्ट टू बी इन दिस कनेक्शन, लेट गो. बट लिसन टू योर इंट्यूशंस, लिसन टू योर इंट्यूशंस, यू आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शंस. जो भी आप करेंगे, यू आर गोना टेक अ गुड डिसीजन. बट राइट नाउ आई थिंक आप मेडिटेट करके सोचिए कि क्या करना चाहिए, बिकॉज आई फील ट्रस्ट इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, ये इश्यूज को रिजॉल्व आपको करना ही, चाहे आप इसके साथ मिले या ना मिले. मतलब कहने का मतलब ये है कि एक रिलेशनशिप में अगर आप तोड़ के या फिर कोई कंक्लूशंस पे ना आके दूसरे रिलेशनशिप पे जाओगे, तो सेम गलती आप भी करेंगे या ना आपके पार्टनर भी करेंगे. सो बेटर यही होगा, बैठ के बात करिए और करके देखिए कि क्या सीन है, तब जाके डिसाइड कीजिए. तो अगर आप सोच रहे हो कि ये आए उसके बाद मैं बात करूंगा, और उसके बाद अगर मैं देखूंगा कि हाँ ये चेंज हो गया है, देन आई विल अलाउ दैट पर्सन, यस दैट वुड बी द गुड डिसीजन. और अगर आप मेरे को बोल रहे हो कि दादा पहले ही, मतलब सेफ खेलना क्या होगा, सेफ खेलना मैं यही बोलूंगा कि भाई अलाउ करो बट ट्रस्ट मत करो, क्योंकि ये पर्सन पास्ट में कुछ ऐसे चीज किए थे
जिससे आपको बहुत बुरा लगा था। सो पहले उस डाउट को क्लियर करो, क्योंकि नहीं तो आप कभी भी इस पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। सो बिफोर एक्सेप्टिंग दिस पर्सन, क्लियर द डाउट, देन एक्सेप्ट, और सिंपली लेट गो। जो भी करोगे आपके लिए सही डिसीजंस आप खुद ही चूज करोगे, बिकॉज यू आर गोइंग ऑन द राइट डायरेक्शन। बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा जय माँ कुरुकुल्ला। ओके, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए माँ काली टैरोट एनिवन। बाय बाय, टेक केयर।